हमारे फाइनेंस के फाइल को लगभग रिजेक्ट किया गया था और मनोहर जोशी उस समय मुख्यमंत्री थे, तो मैं उनके पास गया था और मैंने कहा कि अगर कैपिटल मार्केट में अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, कोई आर्थिक नुकसान तो नहीं होगा, आप हमके अनुमति तो देकर देखिए। तो उन्होंने कहा, नितिन तुम कैसा कहते हो, कैसे पैसे मिलेंगे, मुझे तो कोई समझ में नहीं आता, पर तुम कह रहे इसलिए मैं अनुमति देता हूँ क्योंकि तुम्हारी इच्छा अच्छी है, तुम शायद देखो ट्राई करके। और निरंजन जी इसी मुंबई में आरसी सिन्हा और मैं बैग लेकर अनेक जगह पर गए, प्रेजेंटेशन दिए, और जब हमने हमारा पहला बॉन्ड इशू लॉन्च किया था तो 450 करोड़, उस समय की मैं 96-97 की बात कर रहा हूँ, 450 करोड़ के जगह पर हमको 1180 करोड़ इस शेयर ने दिए। दूसरी बार 500 करोड़ के ले गए तो 1050 करोड़ मिले, और ये इतना पैसा ओवर सब्सक्राइब मिला। अभी मैं इस समय आया हूँ, उस समय तो हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी, पर इस समय मैं जब कोचिन शिपयार्ड के लिए आया और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में गया, और जब मैंने जाते समय वर्ली से निकला तो मेरे शिपिंग के सेक्रेटरी इनकम टैक्स कमिश्नर है, उसने कहा कि आज 350 पॉइंट इंडेक्स नीचे चला गया है, आज का दिन अच्छा नहीं है, हम लोग पोस्टपोन करें। मैंने कहा ये पोस्टपोन करने वाली बात मुझे पसंद नहीं है, जो होगा सो देखा जाएगा, हम जाएंगे। और मैं जब मुंबई स्टॉक एक्सचेंज गया, 10 बजे स्वागत हुआ मेरा कार्यक्रम, और 10:30 बजे मैंने जब बेल बजाई तो 11:06 जब हुए थे तो 1650 करोड़ के बजाय हमको 1,26,000 करोड़ रुपए मिले, ओवर सब्सक्राइब हुआ। अब ये बेस वर्क मिला जिसमें लोगों ने इतना पैसा दिया। अभी हमने हमारा TOT मॉडल तैयार किया है, पहले 9 प्रोजेक्ट के लिए हमने जब टेंडर निकाला तो ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने सबसे कोट किया, हमको 5,400 करोड़ मिलने वाले थे उसके बजाय 9,800 करोड़ रुपए मिले, 150% ओवर सब्सक्राइब। और ऐसे मेरे पास 14 बंडल पड़े हैं अभी, तो मैं कभी भी 2,00,000 करोड़ रुपए खड़े कर सकता हूँ, ऐसी स्थिति है, पर अभी पैसा उतना खर्चा नहीं होता। तो मैं एक बात ये मुंबई में कह चुका हूँ कि इफ देर इज अ व्हील देर इज अ वे, एंड इफ देर इज नो व्हील देर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। द स्ट्रांग पोलिटिकल व्हील ऑफ द मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड एज फार एज इंडिया इज कंसर्न वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और इसलिए रोड सेक्टर में बहुत काम करने की आवश्यकता है। मैं जब मंत्री बना तो 2 किलोमीटर पर डे तक रोड आया था, आज 28 किलोमीटर, और अगले मार्च तक मेरा विश्वास है कि हम 40 किलोमीटर पर डे के हिसाब से आगे जाएंगे। मुझे एक एक्सप्रेस हाईवे बनाने का मौका मिला मुंबई पुणे का, बहुत छोटा था, अब मैं 12 एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ, उसमें से दिल्ली का रिंग रोड पूरा हो गया है, जो दिल्ली का करीब 60% पोल्यूशन कम करेगा ऐसा अंदाज है। अब दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, इनको दिल्ली के बीच में जाने की जरूरत नहीं है, बाहर के बाहर जा सकते हैं। मैं बेंगलोर और चेन्नई के बीच में रोड बना रहा हूँ, बेंगलोर हैदराबाद के बीच में बना रहा हूँ, हैदराबाद विजयवाड़ा के बीच में बना रहा हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट दिल्ली और मुंबई के बीच में बना रहा हूँ। मैं अभी राजीव कुमार जी को कह रहा था कि दिल्ली मुंबई का लगभग हमारा काम पूरा हो गया, हमने वडोदरा मुंबई 44,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, अब मैं गुड़गांव से जयपुर तक का भी कॉन्ट्रैक्ट अभी 15 दिन में टेंडर निकल रहा है, और हमारा लैंड एक्विजिशन 80-90% पूरा हो गया है, 120 मीटर का उसकी यह है डेप्थ है विड्थ है। और ये रोड की विशेषता यह है कि यह मेरा क्रेडिट नहीं है केवल, देखिए ये टीम वर्क होता है, और मेरे यहाँ काम करने वाले लोगों ने इतना अच्छा काम किया कि उन्होंने गूगल से देखकर अलाइनमेंट ऐसे तैयार की है जो बैकवर्ड एरिया ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा से है, तो लैंड एक्विजिशन कॉस्ट जो 7.5 करोड़ रुपए पर किलोमीटर पड़ती थी वो उन्होंने 80 लाख रुपए पर किलोमीटर लाई, क्योंकि पूरे ट्राइबल सेक्टर से आई। तो रोड बनाने 1,00,000 करोड़ का रोड है और 16,000 करोड़ लैंड एक्विजिशन में हमने बचा लिया। अगर हम दिल्ली अहमदाबाद सूरत मार्ग से आते हैं
तो कॉस्ट बढ़ती, पर ये बैकवर्ड एरिया से आना, और दिल्ली मुंबई का डिस्टेंस 120 किलोमीटर कम हुआ, और मैं 2.5 साल में ये काम को पूरा करना चाहता हूँ, और इससे दिल्ली और मुंबई का डिस्टेंस 120 किलोमीटर कम होगा, और 12 घंटे में दिल्ली और मुंबई आप जा सकेंगे, ऐसा रोड है 12 लेन का एक्सिस कंट्रोल। रोड सेक्टर में अभी नॉर्थ ईस्ट में हमने ब्रह्मपुत्र पर 6 ब्रिजेस बना रहे, एक से एक ब्रिज बन रहे हैं, एक एक ब्रिज 12-12, 13-13 किलोमीटर के हैं। जम्मू और श्रीनगर के बीच में एक टनल बनी, इतनी सुंदर बनी है, ये पूरी स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट्स है। अब बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री को जोड़ने के लिए 12,000 करोड़ का ऑल सीजन रोड बना रहे हैं, शायद अगले मार्च तक पूरा हो जाएगा। नई टनल, नए वायडक्ट से पूरे नई है, कभी भी आप जा सकोगे। और सबसे मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि वो मैं, मेरी पत्नी पिछले साल मानस सरोवर जाना चाहती, मैंने उसको रोका और कहा यहाँ से मत जाओ, मैं इंडिया से रोड बना रहा हूँ, पिथौरागढ़ से, उत्तराखंड से। और वो चाइना और नेपाल की बॉर्डर पर -8 डिग्री और -12 डिग्री पर काम हो रहा है। एयरफोर्स के इंचार्ज को सबको मैंने बुलाया, MiG-26 हेलीकॉप्टर से वहाँ मशीनें उतारी है, काम करना बहुत डिफिकल्ट है, 70% काम पूरा हुआ है, पर चाइना बॉर्डर तक जाने के लिए वो थोड़ा सा जो 10-15 किलोमीटर का काम है वो बहुत कठिन है, क्योंकि स्थितियाँ बहुत ख़राब है, हमारे जवान बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुझे लग रहा था कि मैं 19 मार्च के पहले उसको करूँ, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर शायद 19 दिसंबर तक वो पूरा होगा, और अब हिंदुस्तान से मानस सरोवर जाने के लिए नेपाल या चाइना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से हम जाएंगे। रोड के सेक्टर में मुझे अच्छा चैलेंजिंग काम मिला, और अच्छा लगा मुझे कि जब मैं मंत्री बना तो 403 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ से स्टॉल प्रोजेक्ट थे, माननीय प्रधानमंत्री जी वित्त मंत्री जी के सहयोग से हमने 22 कैबिनेट डिसीजन लिए और 99% प्रॉब्लम सॉल्व किए, और मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूँ कि मेरे विभाग ने हिंदुस्तान के बैंकों को 3,00,000 करोड़ के NPA से बचाया, और अब सब प्रोजेक्ट अच्छे चलने लगे हैं। पॉजिटिव अप्रोच, ट्रांसपेरेंसी, टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड करप्शन फ्री सिस्टम। निरंजन जी, मैं 10,00,000 करोड़ रुपए के काम ऑर्डर, वर्क ऑर्डर दे चुका हूँ, और अभी तक मेरे विभाग में एक भी कॉन्ट्रैक्टर को ऑर्डर मांगने के लिए मेरे दिल्ली ऑफिस में आना नहीं पड़ा, न कोई मिलने की जरूरत पड़ी, और मैं ये बिल्कुल अभिमान के साथ कह सकता हूँ। पर एक बात ये भी जरूर है कि मैं वैसे बोलने के लिए भी संकोच नहीं करता, मैंने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर को कहा कि रोड खराब होगा तो बुलडोजर के नीचे तुमको डलवा दूंगा। दीज आर द एसेट ऑफ माई कंट्री, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और इसलिए ये केवल काम करते समय मेरे साथ के इंजीनियर सेक्रेटरी, उन्होंने अच्छा काम किया, और ये एक टीम वर्क है, और इसके लिए मैं बहुत बार कहता हूँ कि पॉलिटिक्स, सोशल वर्क एंड बिजनेस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अगर कोई है तो ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड एवरीथिंग सोशल वर्क। मैं कभी प्रोटोकॉल वगैरह में फंसा नहीं, और इसलिए मैं महाराष्ट्र में भी काम करता था तो भी मैं जॉइंट सेक्रेटरी के भी चैम्बर के में जाता था, सेक्रेटरी के भी चैम्बर में जाता था। और मेरी सबसे अच्छी बात है कि आज भी भारत सरकार में मेरे अधिकारी, मेरे सेक्रेटरी, वो मेरे परिवार जैसे लोग हैं, इतनी मेरी उनसे रिलेशनशिप अच्छी है, दैट इज द बेसिक स्ट्रेंथ जिसके कारण मुझे यश मिला। मैं ना इंजीनियर हूँ, ना बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग का मुझे समझता है, पर एक बात जरूर है कि मुझे निर्णय जो है, अभी कल ही मेरी मीटिंग थी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल के साथ, और दिल्ली में हम 12 प्रोजेक्ट यमुना पर कर रहे हैं, और ओखला में 450 MLD जो पानी है वो शुद्ध करके वो वजीराबाद के उनके डैम में डालने के लिए वो अनुमति मांग रहे थे, मेरे डिपार्टमेंट ने उसको रिजेक्ट किया, मैं वाटर रिसोर्सेज का मंत्री हूँ, तो मैंने कहा आपने क्यों रिजेक्ट किया, उनने कहा कि ऐसा है वैसा है ये पानी है, मैंने बोला मीटर लगा तो कितना जा रहा पानी, अगर हरियाणा का इनका झगड़ा है तो जितना पानी ये अच्छा करके डालेंगे उतना पानी मीटर लगा के गिन लो। फिर उन्होंने और दो कारण बताए, मैंने उन केजरीवाल को एक प्रश्न पूछा, एक ही पूछता हूँ आपको,
कि अगर ये पानी जो है सीवेज का ये शुद्ध करके अगर आप वजीराबाद में डालोगे और फिर पीने के लिए लाओगे, इसके लिए तुम्हारा दिल्ली की जनता का कोई रिजर्वेशन है? बोले सर ये एज लॉन्ग एज ये इतना शुद्ध वाटर है हमारा कोई रिजर्वेशन नहीं है। गो अहेड। मैंने एक मिनट में निर्णय किया कि इनको परमिशन दे दो, 450 ml पानी रोज जाएगा, उतना पानी दिल्ली को मिलेगा, आपका क्या नुकसान है, उतना पानी यूज होगा। तुरंत निर्णय हो गया। और इसलिए निर्णय करना, निर्णय करने से कभी डरना नहीं, और अगर कॉन्शियस कहता है कि ये गलत है तो करना नहीं। मैंने आज तक मेरे जीवन में मेरे किसी भी अधिकारी को ये नहीं कहा कि ये निर्णय तुम करो, मैंने ये कहा निर्णय करो, तुमको नहीं करना है तो रिजेक्ट करो, करना है तो क्लियर करो, पर उसको पेंडिंग मत रखो। और इसलिए किसी ने पेंडिंग रखा तो मैं उनको पब्लिकली कह चुका हूँ ये हमारे महाशय ऐसे हैं, ये पत्नी से ज़्यादा फाइल पे प्रेम करते हैं इसलिए फाइल दबा के बैठते हैं। ये मुझे लोगों को बात में वो बेचारे फाइल रुकती नहीं। तो आज रोड सेक्टर बदल गया। और सबसे बड़ी बात हुई है कि मेरे जीवन में मुझे गंगा का काम करने का मौका मिला। और जब गंगा का काम शुरू हुआ तो मीडिया में भी परसेप्शन था, सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ा था, कोई कहता था काम नहीं। कल मैंने गंगा का रिव्यू लिया। गंगा में 270 प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। और कानपुर में टेनरिस का एक बहुत बड़ा नाला है, झामा मऊ क्या कुछ नाम है उसका, पापा मऊ, झाज मऊ, हाँ, उसका हमने 140 ml पानी नहीं, इतना काला काला गंध में देख के आया। कल हमने उसको सक्सेसफुली हैंडल किया। अब गंगा में 58 जगह पर पानी की क्वालिटी सही साबित हुई। और हम लोग ये जो प्रोजेक्ट कर रहे, घाट बना रहे, मोक्षधाम बना रहे, और मेरा विश्वास है कि दिसंबर तक सब टैबर गंगा पे काम नहीं कर रहे, गंगा के 40 ट्रिब्यूटरीज नाले और नदियों पर काम कर रहे, मध्य प्रदेश तक काम कर रहे, हरियाणा में काम कर रहे, दिल्ली में 12 प्रोजेक्ट है 6,000 करोड़ के, यमुना पर काम कर रहे, मथुरा में हमने काम किया। और मथुरा में तो जो गंदा पानी है वो हमने बेचा इंडियन ऑयल को, उससे 19 करोड़ साल के मिल रहे, और हाइब्रिड एन्यूटी में किया, 40% हम दे रहे, बाकी वो काम कर रहे हैं। ऐसे 8 प्रोजेक्ट गंगा पर चल रहे हैं। और आपने नागपुर में कहा वो 19 करोड़ नहीं, 79 करोड़ मिल रहे हैं टॉयलेट का पानी बेचकर। और कल मैंने कहा कि ये बायोडाइजेस्टर जो 150 बना रहे हैं, तो IIT रुड़की को मैंने कल काम दिया कि इसमें जो आजू बाजू के शहरों का जो फ्रूट वेजिटेबल वेस्ट है ये बायोडाइजेस्टर में डाल दो, उससे तो सीवेज वाटर से भी मिथेन मिलेगा, वो डालने से भी मिलेगा, उस मिथेन से CO2 अलग करके बायोसीएनजी तैयार करो, और कम से कम 10,000 बसेस उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और दिल्ली और हमारी बिहार, ये सब बसेस बायोसीएनजी पर चली गई, और बायोसीएनजी उससे मिलना चाहिए। और आप जैसे उद्योगपति को मैं कह रहा हूँ, आप आइए बायोडाइजेस्टर से आप बायोसीएनजी निकालिए और बेचिए, हम आपको काम देने के लिए तैयार है, युवकों को काम मिलेगा। वेस्ट टू वेल्थ, यही उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। और मैंने कहा है कि मार्च एंड तक गंगा 70-80% शुद्ध होगी, और अगले मार्च तक 100% गंगा शुद्ध होगी। और मेरा विश्व 26,000 करोड़ हम गंगा पर खर्चा कर रहे हैं, और लगभग प्रोजेक्ट जनवरी के पहले सब शुरू हो जाएंगे। काफ़ी प्रोजेक्ट पूरे हुए, काफ़ी काम शुरू है, और उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जलमार्गों की। गंगा में हम जो जलमार्ग बना रहे हैं उस पर 5,500 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। और ये भी बात जब मैंने जलमार्ग की कही तो मुझे हमारे पार्टी के नेताओं ने कहा ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, काय का जलमार्ग, काय का शिप चलेगा, क्या बात कर रही है, किसी पर मेरे ऊपर विश्वास नहीं था। पर आज हमने वाराणसी के मल्टीमॉडल हब का इनॉग्रेशन किया, गाजीपुर, साहिबगंज और हल्दिया का काम मार्च तक वो भी उद्घाटन हो जाएगा, 60 रिवर पोर्ट बना रहे हैं। और इतना ही नहीं तो वाराणसी से इलाहाबाद हमारे नहीं था, वो भी ड्रेजिंग हमने 1 मीटर किया, इधर 3 मीटर का किया, और जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल है वैसे रिवर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम भी पूरी हो गई। और इस साल 80 लाख टन हमारा मटेरियल गंगा से आ रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अभी पेप्सी का मटेरियल हमने इनॉग्रेशन किया, अभी फ्लैश फराक्का की बांग्लादेश एक्सपोर्ट हो रही है, और इस साल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी चीनी जा रही बांग्लादेश 10-15 लाख टन वो सब वाराणसी से हमारे बार्ज में जाए। तो 280 लाख टन अगले साल तक उसका अगर होगा तो आप कितने ट्रक कहोगे, कितना पैसा बचेगा? और आपने थोड़ा हिसाब वो गलत बताया,
रोड से जाएंगे तो 10 रुपए, रेलवे से जाएंगे तो 6 रुपए और पानी से जाएंगे तो 1 रुपए। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए।